तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में थायराइड होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से ये महिलाओं में ज़्यादा परेशान करता है और इसके इलाज के ऑप्शन क्या हो सकते हैं। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, हाइपरथायराइडिज्म के मरीज फिर भी काफ़ी कम होते हैं, और महिलाओं में तो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे लिंक है हार्मोनल इम्बैलेंस से। जब शरीर के अंदर और ख़ासतौर से प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में कोई भी अगर इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का, और कई बार जब वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उसके कारण भी ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे एक रिस्क हमेशा बढ़ा रहता है हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारी होने का, और जिसके अपने अलग लक्षण आते हैं। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, तो मरीज़ का वज़न बढ़ने लगता है, मरीज़ को मोटापा हो जाता है, मरीज़ को भूख बहुत कम लगती है, वो खाना भी कम खाता है लेकिन उसके बावजूद उसका वज़न बढ़ता रहता है, तो नींद आती है, सुस्ती आती है, उसको हमेशा लेटे रहने का मन करता है, स्किन बिल्कुल ड्राई होती है, ठंडे आते रहते हैं, लेकिन स्किन पर अगर आप ऐसे खींचेंगे तो वाइट कलर की लकीर बन जाती है स्किन की ड्राइनेस की वजह से। महिलाओं में जो मेंसेस है वो इरेगुलर हो जाते हैं, या तो कभी बहुत तेज़ आते हैं या तो कई बार आते ही नहीं है, या आते हैं तो बीच में भी आ सकते हैं। उसके बाद जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मसल्स की कमजोरी, ये सारे लक्षण जो है हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी में आने लगते हैं। इवन सर दर्द वगैरह, मेंटल कन्फ्यूजन, ये सारे लक्षण हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं। अब जैसे हमने टॉपिक के शुरू में बात की थी कि महिलाओं में क्या होता है, तो महिलाओं में देखिए उनकी चार स्टेजेस होती है महिलाओं की, कि जब वो प्यूबर्टी पे जाती है, यानी कि जब उनको मेंसेस शुरू होते हैं, तो अगर मरीज को हाइपोथायराइडिज्म है तो इससे आपके मेंसेस पे असर पड़ता है, या तो वो डिलेड हो जाएंगे या तो इरेगुलर हो जाएंगे, ये सारे लक्षण जो है आने लगते हैं, खासतौर से बढ़ती उम्र की बच्चियों में, अभी जब वो प्यूबर्टी की होती है। अगली एज आती है रिप्रोडक्शन वाली एज, रिप्रोडक्शन में भी एक रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो जो ओव्यूलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, जब ओव्यूलेशन ठीक नहीं होता है तो फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, और जो फीटस है इवन उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है हाइपोथायराइडिज्म की तो उसके बच्चे पे भी उसका असर पड़ता है, माँ को भी थायरोडाइटिस हो सकता है और बच्चे को भी थायराइड डिसफंक्शन हो सकते हैं। उसके अलावा ओवेरियन सिस्ट जो है उसके डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है अगर हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी होती है, और अगर सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है तो इवन ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, इवन अनमैरिड वूमेन में भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद आता है कि भैया प्रेगनेंसी या पोस्टमार्टम की जब एज आती है तो उसमें देखिए कि प्रेगनेंसी में ही दिक्कत होती है, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसे केसेस भी रिकॉर्ड किए गए हैं कि स्टिल बर्थ होता है, कि बच्चा ही जिंदा पैदा नहीं होता है, और प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में जैसे मॉर्निंग सिकनेस वाले जो सिम्टम हैं उन मरीजों में ज़्यादा देखे जाते हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी होती है। और जो फोर्थ स्टेज होती है एक फीमेल की लाइफ में जिसको मीनोपॉज कहते हैं, उसमें भी उनको मीनोपॉजल सिम्टम्स जो है वो अर्ली मीनोपॉज हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म के केसेज में, इवन उसमें उनको हॉट फ्लैशेज आ सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, ये सारे जो लक्षण हैं इस एज की महिलाओं को आने लगते हैं। उसके साथ नींद की कमी, इवन मूड स्विंग्स का होना, इवन मरीज डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। तो ये खासतौर से महिलाओं में होने वाली हमने कुछ दिक्कतों के बारे में बात की। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या है। ठीक है, ट्रीटमेंट तो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की बीमारी है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डाइटरी कंट्रोल भी आपको करने चाहिए। आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, थोड़ा ऐसे भोजन खाएँ जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, और आप अगर हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे जिससे आपका हार्मोन इम्बेलेंस बिगड़ता हो, तो आपको इस बीमारी का खतरा कम हो जाएगा। आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करें, और अगर कुछ हार्मोनल पिल्स रहते हैं तो आप उनको भी अवॉइड करें अपने डॉक्टर की सलाह के बाद। रही बात एक्चुअल ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए देखिए, अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है तो आपको थायरोक्सिन दिया जाता है, बट उसकी डोजेस बीमारी की सीवियरिटी और कितना आपका TSH का लेवल है या T3 T4 का लेवल है उस पर डिपेंड करता है। तो अपनी मर्जी से आप कभी भी कोई दवाई ना खाएं, इसमें आप अपने डॉक्टर की सलाह और मशवरे से ही दवाई खाएं, और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की दिक्कत है तो किसी अच्छे से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलें, अपनी बीमारी को डायग्नोस कराएं और समय पर उसका इलाज कराएं, सो दैट आपकी बाकी बॉडी के फंक्शन जो है वो ठीक से काम करते रहें। मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर इस वीडियो से सीखा होगा, और वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने इससे वाकई कुछ सीखा हो, तो एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।